हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं अब 2019 में हुए समझौते और सौदे। अब सितंबर की माह की बात करते हैं, जो समझौते हुए और सौदे उनके बारे में देखते हैं हम लोग। मैत्री और गूगल ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया के कार्यान्वयन हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। गूगल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया के कार्यान्वयन हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह ऐसा कार्यक्रम है जो इंजीनियरिंग छात्रों को बाजार निर्मित प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा, जो प्रमुख सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आवेदक मशीन लर्निंग, क्लाउड तथा एंड्रॉइड जैसी प्रमुख तकनीकों पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सीखने के अवसर में भाग लेंगे। अब अगस्त में जो हुए, महाराष्ट्र में सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान करने के लिए एडीबी एशियाई विकास बैंक ने बाजार और सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के 34 जिलों में सड़क अवसंरचना सुधार परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। अगला, एडीबी ने पाकिस्तान के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने देश की व्यापार, प्रतिस्पर्धा और निर्यात में सहयोग करने के लिए नगद से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जिसे मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे भारत के उच्चायुक्त जावेद अशरफ ने सिंगापुर के साथ हस्ताक्षरित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर अब तक 46 देशों ने हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र के बारे में बताएं तो इसे मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मध्यस्थता से परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय निपटान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया। अगला, हमारा यूपी सरकार ने 2024 तक नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड के साथ 2024 तक द्विपक्षीय समझौतों पर बढ़ाया। पहले किए गए समझौते ज्ञापन में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय योजना, जल प्रबंधन सहित जल निकायों की बहाली और गतिशीलता योजना के क्षेत्र में ज्ञान और तकनीकों के सहयोग और आदान प्रदान की मांग की गई है। और बात करते हैं अब अगला, यूनिडो और एनआईएससी कौशल विकास कार्यक्रम के लिए भागीदार बने। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र में लाभार्थियों के विभिन्न स्तरों के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनआईएससी और यूनिडो विशेष प्रशिक्षण सामग्री विकसित करके सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करेंगे। अगला, बांग्लादेश ने रूस के साथ यूरेनियम आपूर्ति सौदे पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अपने 2400 मेगावाट के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग और रूसी परमाणु ईंधन आपूर्ति कंपनी के बीच ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रूस समझौते के तहत संयंत्र के पूरे जीवन चक्र के दौरान आवश्यक परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा।
अगला है महासागर तरंगों से बिजली का दोहन करने के लिए NIOT और IIT मद्रास ने साझेदारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने महासागर तरंगों से बिजली का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ भागीदारी की है। दोनों संस्थान मिलकर टरबाइन विकसित करेंगे जो बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र की लहरों की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। इस शोध का नेतृत्व IIT मद्रास द्वारा किया जा रहा है। अब जुलाई 2019 में हुए समझौतों की बात करें, भारत यूके ने बेंगलोर में स्वच्छ वायु सुधार के लिए पहल शुरू की है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2 साल की संयुक्त पहल की शुरुआत की है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के स्वच्छ वातावरण के लिए सुधार। इसका उद्देश्य उपग्रह और सेंसर डेटा को एकीकृत करके अद्वितीय वायु गुणवत्ता माप प्रणाली प्रदान करना, और भारत में विद्युत वाहनों के परिवर्तन का समर्थन करना। अगला है हमारा AIIB पवन और सौर अवसंरचना परियोजना के लिए L&T की वित्त शाखा को 100 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को पवन और सौर अवसंरचना परियोजना के लिए 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। यह पहली बार है कि जब AIIB एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी को ऋण दे रहा है। भारत गाम्बिया को 5 लाख डॉलर की सहायता देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गामिया यात्रा के दौरान भारत ने गामिया को 5 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौता देने का वादा किया है। यह सहायता पश्चिमी अफ्रीकी देश में कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजनाओं सहयोग प्रदान करेगी। दोनों देशों ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं अदामा बेरो और राजधानी है बंजुल। यहाँ की गाम्बिया की मुद्रा है दलसी गाम्बिया, दलसी। बीसीसी ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विक्स चैम्बर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली ने विक्स देशों भारत के पूर्वी भाग के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विक्स का मुख्यालय है संघाई चीन में। विक्स के अध्यक्ष हैं अभी के बी कामत और विक्स के सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 5 देश इसके सदस्य हैं। अगला है हमारा ओप्पो की जगह बायजू टीम इंडिया का आधिकारिक आयोजक बना है। बीसीसीआई के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की कि बेंगलुरु स्थित शिक्षा और शिक्षण ऐप बायजू, जो थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है, ने ओप्पो इंडिया को आधिकारिक टीम इंडिया के प्रायोजक के रूप में बदल दिया है। समझौता अवधि 5 सितंबर 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगी। बायजू रविंदन बायजू के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी हैं। अगला हमारा मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। रक्षा ज्ञान शक्ति का उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बौद्धिक संपदा संस्कृति को विकसित करना है। रक्षा मंत्रालय ने मिशन शक्ति के संबंध में बौद्धिक संपदा सुविधा सेल और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन क्षमता की कमी को दूर करेगा और रक्षा उद्योग में नवाचार और बौद्धिक संपदा का अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख प्रयासों को एक बड़ी गति प्रदान करेगा। अगला हमारा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बॉन्ड बैंड रेडीनेस इंडेक्स।
दूर संचार विभाग और भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ब्रॉड बैंड रेडीनेस इंडेक्स विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला अनुमान 2019 में और उसके बाद 2022 तक हर साल लगाया जाएगा। अगला, रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। रिलायंस जियो ने डिजिटल साक्षरता पहल डिजिटल उड़ान के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। इस पहल में 10 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो विजुअल प्रशिक्षण होगा। अगला, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए रूसी एजेंसी के साथ समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन, सहायता और चिकित्सीय परीक्षण और अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी गैलियो कॉसमोस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसरो ने गगनयान फर्स्ट मिशन से पहले 2 मानव रहित मिशन भेजने की योजना बनाई है। अगला, भारत ने स्टेम अटाका की खरीद के लिए रूस के साथ 200 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भारतीय वायुसेना के MI-35 अटैक हेलीकॉप्टरों के बेड़े के लिए स्टेम अटाका एंटी टैंक मिसाइल की खरीद हेतु रूस के साथ 200 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासकॉम और NSTC ने वर्ल्ड स्किल इंडिया इंटरनेशनल क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंज 2019 शुरू किया। नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज और NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने वर्ल्ड स्किल्स इंडिया इंटरनेशनल क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंज 2019 का आयोजन किया। अब जून 2019 के समझौतों की बात करें, सौदा समझौते की, तो पहला रिजिलिएंट केरला प्रोग्राम। केरल सरकार और विश्व बैंक ने पहले रिजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नया कार्यक्रम पुनर्निर्मित केरल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक हरित और लचीले केरल का निर्माण करना है। अगला, भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए विश्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने तपेदिक के इलाज और इस बीमारी को देश से बाहर निकालने के लिए विश्व बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम 9 राज्यों में फैलाया जाएगा और यह भारत में वर्ष 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करने की सरकार की राष्ट्रीय रणनीति योजना में मदद करेगा। अगला, भारत ने राजस्थान की सड़कों और राजमार्गों के विकास हेतु 250 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, भारत और विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 328 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, हमारा विश्व बैंक ने उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण योजना के लिए 31.58 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। अगला, हमारा विश्व बैंक ने झारखंड सरकार को 147 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। भारत सरकार, झारखंड सरकार और विश्व बैंक ने 147 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। झारखंड सरकार शहरी सेवाओं और जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और शहरी सड़क व्यवस्था प्रदान करने के लिए धनराशि का निवेश करेगी। अगला, हमारा भारत और पुर्तगाल राष्ट्रीय समुद्री विरासत म्यूजियम स्थापित करेंगे। भारत और पुर्तगाल गुजरात के प्राचीन भारतीय स्थल लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत म्यूजियम स्थापित करने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहरों में से एक था। भारत में प्रस्तावित समुद्री म्यूजियम लिस्बन में समान प्रकार के म्यूजियम की तर्ज पर बनेगा, जिसका प्रशासन पुर्तगाल नौसेना करती है। अगला, हमारा DD इंडिया बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में भी प्रसारित किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत ने बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में दर्शकों तक दूरदर्शन सेवाएं पहुंचाने के लिए इन दोनों देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत बांग्लादेश का BTV
वर्ल्ड और दक्षिण कोरिया का KBS वर्ल्ड को DD3 डिश पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे देश भर में 35 लाख उपभोक्ता हैं। भारत और अफ्रीकी संघ शिखर वार्ता आयोजित करने के लिए नाइजर को 15 मिलियन डॉलर सहायता दी है। भारत ने नाइजर को नियामे में 7 से 8 जुलाई 2018 की मध्य आयोजित होने वाली अफ्रीकी संघ शिखर वार्ता संपन्न के लिए पहली बार 15 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय मदद प्रदान की है। नाइजर पहली बार अफ्रीकी संघ शिखर वार्ता का आयोजित करेगा। भारतीय अनुदान सहायता ने नियामे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की स्थापना की है। अफ्रीकी संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन के पूर्व सदस्य राष्ट्रों द्वारा की गई थी। वर्तमान में 54 सदस्य देश हैं इसमें। एकमात्र अफ्रीकी देश मोरक्को इस संगठन का सदस्य नहीं है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है अदिस अबाबा। अगली बात करते हैं, तमिलनाडु सरकार को स्वास्थ्य देखभाल सुधार के लिए विश्व बैंक की ओर से 287 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है। केंद्र तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु स्वास्थ्य तंत्र सुधार कार्यक्रम के लिए 287 मिलियन डॉलर के ऋण को समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब हम लोग बात करते हैं मई 2019 के समझौतों या सौदों की बात। तो IIT गुवाहाटी ने अंतरिक्ष तकनीक स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने संस्थान में IITG इसरो अंतरिक्ष तकनीकी सेल स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला है, श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के पूर्वी टर्मिनल के विकास हेतु भारत और जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार बंदरगाह में श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण की हिस्सेदारी 51% होगी, जबकि जापान और भारत की हिस्सेदारी संयुक्त रूप से 49% रहेगी। ADB भारत को रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण हेतु 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। एशिया विकास बैंक ने घोषणा की कि उसने भारत में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण हेतु भारतीय रुपये में दीर्घावधि वित्तीयन में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।